मेड्यूसा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका जिक्र काफी सारी फिल्मों, गेम्स और कहानियों में किया गया है, लेकिन इसके ओरिजिन्स हैं ग्रीक माइथोलॉजी से। मेड्यूसा के सर का शिकार कई सारे हंटर्स ने करना चाहा, लेकिन जिस किसी आदमी ने भी उसकी आंखों में देखा वो पत्थर का ही बन के रह गया। मेड्यूसा इन तीन गॉर्गन सिस्टर्स में से एक थी। गॉर्गन इन तीनों बहनों के समूह को कहा जाता है। इन तीनों के पास ही गजब की शक्ति और केश की जगह सर्प हैं, और जो कोई भी इनकी आंखों में देखता है वो पत्थर में बदल जाता है। पर मेड्यूसा शुरुआत से ऐसी नहीं थी। अब खास बात ये थी कि इन तीनों बहनों में से बस मेड्यूसा ही थी जो कि मॉर्टल और बहुत ही सुंदर पैदा हुई थी। बाकी दोनों बहनें दिखने में मॉन्स्टर्स जैसी थी और इमॉर्टल भी। मेड्यूसा की बहनों के नाम थे स्थीनो और यूराइल। मेड्यूसा समुद्र देवता फोर्सिस और सीटो की बेटी बताई जाती है, लेकिन कई जगहों पर मेड्यूसा को गॉर्गन और सीटो की बेटी भी बताया गया है। मेड्यूसा का इतिहास काफी ज्यादा उलझा हुआ है, और क्या सही है और क्या गलत इसका पुष्टिकरण करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मेड्यूसा से जुड़े कुछ मिथ्स को अलग कर दूंगा। मेड्यूसा का अगर अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है गार्डियन और प्रोटेक्टरेस। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेड्यूसा बहुत सुंदर थी, और खास करके उसके केश जो कि बहुत ही घने और लंबे। बात करें मेड्यूसा के मॉन्स्टर होने की कहानी की, तो मेड्यूसा हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेड्यूसा को एथिना ग्रीक गॉडेस के गुस्से का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण से मेड्यूसा का ये हाल हुआ। पर उससे भी बड़ा कसूरवार था पोसाइडन, गॉड ऑफ सी, जो कि मेड्यूसा की सुंदरता को देखते ही उसका दीवाना हो गया। मेड्यूसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो ग्रीक गॉड्स की क्रुएलिटी को दर्शाता है, क्योंकि मेड्यूसा शुरू से ऐसी नहीं थी। उसके केश की जगह पर सर्प कहां से आए और उसको ऐसा श्राप कहां से मिला कि जो भी आदमी उसको देखेगा वो पत्थर में बदल जाएगा। तो ये सब ग्रीक गॉड्स की गलती और अत्याचार थे जो मेड्यूसा ने झेले। अब बाद में पर्सियस ने मेड्यूसा का सर काट दिया था, जिसके साथ पर्सियस ने काफी सारी जंग लड़ी और जीती भी। अंत में उसने मेड्यूसा का ये सर एथिना ग्रीक गॉडेस को ही वापस लौटा दिया था। अब मेड्यूसा शुरुआत से ही एथिना देवी को बहुत ज्यादा माना करती थी और उसकी पूजा किया करती थी। तो मेड्यूसा ने अपना पूरा जीवन एथिना के मंदिर में एथिना की देवी के समक्ष गुजारने का प्रण लिया था। पर इसकी एक कंडीशन ये थी कि लड़की को वर्जिन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात पवित्रता की आ जाती है। फाइनली मेड्यूसा एक प्रीस्टेस बन जाती है और एथिना के मंदिर में अपना वक्त गुजारने लगती है। अब मेड्यूसा के सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, जिससे हुआ ये कि दूर दूर से लोग एथिना के मंदिर में बस मेड्यूसा को ही देखने आते थे। अब एथिना को इस बात की धीरे धीरे भनक लगने लगी, और वो मेड्यूसा से मन ही मन चिढ़ने लगी कि लोग इसको इतना सुंदर क्यों समझते हैं। खैर, दूसरी तरफ पोसाइडन भी मेड्यूसा के प्यार या लस्ट में पागल हुआ जा रहा था। मेड्यूसा के सामने पोसाइडन ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मेड्यूसा एथिना की भक्ति में लगी हुई थी, जिसके कारण उसने बार बार पोसाइडन को मना कर दिया। अब मेड्यूसा को पाने के लिए पोसाइडन की बहस देवी एथिना से भी कई बार हुई, लेकिन एथिना ने मेड्यूसा को पोसाइडन को देने के लिए इनकार कर दिया। तब जाके पोसाइडन ने कसम खाई कि अगर इच्छा से नहीं तो वो जबरदस्ती मेड्यूसा को पालेगा। मेड्यूसा अपनी जान बचाने के लिए एथिना के मंदिर में भागी और एथिना से गुजारिश की कि वो उसकी जान बचाए, पर एथिना ने उसकी पुकार नहीं सुनी और पोसाइडन ने मेड्यूसा की इज्जत लूट ली। अब ये सब करने के बाद पोसाइडन वहां से चला गया और मेड्यूसा वहीं मंदिर में पड़ी रही, कमजोर और वल्नरेबल। अब मेड्यूसा ने मदद की गुहार देवी एथिना से लगाई, लेकिन उन दिनों बिना शादी के वर्जिनिटी लूज करना एक टाबो यानी कि पाप माना जाता था। तो बस एथिना ने मेड्यूसा को श्राप दिया कि जिस खूबसूरती पर उसको घमंड है और अपनी देवी को धोखा देने के लिए जब भी किसी आदमी को वो देखेगी या कोई आदमी उसको देखेगा तो वो अपने आप ही पत्थर का बन जाएगा। इनफैक्ट अगर मेड्यूसा खुद भी किसी चमकदार चीज में अपना चेहरा देख लेगी तो वो खुद पत्थर की बन जाएगी। मेड्यूसा का शरीर अब उसकी बाकी दोनों बहनों जैसा हो गया था। सांप जैसा शरीर, विंग्स, बड़े बड़े क्लॉज, उसके सुंदर केश की जगह पर ढेर सारे सर्प। उसके बाद एथिना ने मेड्यूसा को ह्यूमैनिटी से ही दूर कर दिया और उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर वो अकेली रहे। अब मेड्यूसा अपनी इन शक्तियों से डरती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने कई सारे लोगों को पत्थर में बदलते देखा। मेड्यूसा अब सारे के सारे ग्रीक गॉड्स को कर्स देती रही, क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया जिसके लिए उसने अपना पूरा
पूरा जीवन न्योछावर करना चाहा। पहले मेड्यूसा के सुंदरता के चर्चे थे और अब उसका सर काट कर लाने के लिए इनाम मिलेगा ऐसा फैलने लगा। तो कई सारे हंटर्स गए लेकिन सबका एक ही फेट हुआ कि सब पत्थर में बदल गए और कभी भी वापस नहीं लौटे जब तक कि पर्सियस ने उसको हराया नहीं। पर्सियस ज्यूस की नाजायज औलाद थी जो कि एक डेमीगॉड था। अब पर्सियस को इस काम के लिए धोखे से राजा पॉलीडेक्टिस ने भेजा था क्योंकि वो पर्सियस की माँ से शादी करना चाहता था। उसको लगा कि पर्सियस कभी भी वापस नहीं लौटेगा और उसकी माँ पॉलीडेक्टिस की हो जाएगी। अब मेड्यूसा का सर लाना एक तरीके से ग्रीक गॉड्स ने डिसाइड कर लिया था कि पर्सियस ही ऐसा करेगा, तो यहाँ पर गॉड्स ने उसकी मदद की। हेडीज ने अपना हेलमेट दिया जिससे पर्सियस अदृश्य हो सके मेड्यूसा के सामने। एथिना ने अपनी गोल्ड शील्ड दी जिससे कि वो उसको देख पाए, और इस शील्ड की काबिलियत ये थी कि मेड्यूसा की नजर को वो रिफ्लेक्ट कर सकती थी। अब हर्मीस गॉड की तरफ से विंग्स का जोड़ा जिससे वो मेड्यूसा तक पहुंच पाए, और अंत में ज्यूस की तरफ से एक तलवार जो कि इतनी तेज थी कि वो आसानी से मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर सकती थी बिना उसके सर को बेजान किए। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेड्यूसा अकेली ऐसी गॉर्गन सिस्टर्स में से एक थी जो कि मॉर्टल थी। श्राप के बाद भी वो इमॉर्टल नहीं हुई थी। पर्सियस एथिना की दी हुई शील्ड की मदद से मेड्यूसा की रिफ्लेक्शन देखकर उसका सर ले आया था। अब इस खतरनाक रूप में आने से पहले मेड्यूसा प्रेग्नेंट थी पोसाइडन के बच्चे से, तो जब उसका सर धड़ से अलग हुआ तो दो बच्चों ने जन्म लिया जो कि थे पेगासस सफेद पंखों वाला सुनहरा घोड़ा और क्राइसोर एक बड़ा दानव जिसके हाथ में एक सोने की तलवार थी। इसके बाद पर्सियस ने कई सारी जगहों पर मेड्यूसा के सर का इस्तेमाल किया जंग जीतने के लिए। जैसे पर्सियस एक टाइटन एटलस के पार जा रहा था तो उसने पर्सियस पर हमला किया, पर मेड्यूसा की खतरनाक आंखों में देखने की वजह से वो भी पत्थर का बन के रह गया। अब एक और ऐसा किस्सा है कि जो रेड सी के कोरल्स हैं वो मेड्यूसा के खून उस सी में गिरने की वजह से बने हैं जब पर्सियस इथोपिया में रुका था, जहां पर उसने अपनी फ्यूचर वाइफ एंड्रोमेडा को बचाया और उससे शादी की। अब अंत में पर्सियस सेरिफोस की तरफ बढ़ा जहां पर पॉलीडेक्टस उसकी माँ से जबरदस्ती शादी करने वाला था, पर उसने मेड्यूसा के सर की मदद से पॉलीडेक्टस को भी पत्थर का बना दिया। उसके बाद पर्सियस ने मेड्यूसा का सर एथिना को हैंडओवर कर दिया जो कि एथिना ने अपनी शील्ड के बिल्कुल सामने लगाया, जिसको एगिस कहते हैं। मेड्यूसा के बारे में ग्रीक माइथोलॉजी में कई सारे मिथ्स हैं, जैसे कि जिसमें सबसे बड़ा है कि वो शुरुआत से ही मॉन्स्टर थी, और एक और कि उसको अपनी सुंदरता पर घमंड था जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेड्यूसा मुझे एक विक्टिम लगती है जिसने अपना फेथ गॉडेस एथिना पर रखा लेकिन उसने पोसाइडन से उसकी रक्षा नहीं करी। यहाँ पर एक बात यह है कि कई बार देवता भी जेलस हो जाते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में बात करें तो इंद्र देवता बहुत ही ज्यादा जेलस कई चीजों पर हुआ करते थे। अगर उस दिन मंदिर में एथिना ने मेड्यूसा की पुकार सुनी होती तो शायद मेड्यूसा के बारे में ये सब फैलता ही नहीं। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम कई सारी फोटोज मेड्यूसा के सर की बहुत सारे लोगों के हाथ में देख सकते हैं, जो कि बस यही दर्शाता है कि मेड्यूसा सारे ईविल को दूर रखती है। अंत में मरने से पहले भी उसने बस एथिना को ही प्रोटेक्ट किया उसकी शील्ड पर लगकर। इससे मुझे ये लगता है कि मेड्यूसा बेशक एक मॉन्स्टर बनी लेकिन ये उसका एक अनएक्सपेक्टेड फेट था जो कि उसने झेला, और मुझे मेड्यूसा ईविल से ज्यादा ईविल लोगों को दूर रखने की गॉडेस लगती है। खैर, आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक जरूरी बात ये कि बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए। You'll make a fine statue.